आम आदमी पार्टी अपने पूर्ण राज्य के आंदोलन की शुरुआत भाजपा व कांग्रेस के कार्यालयों के घेराव के साथ शुरू करेगी। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और कल वह कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर भाजपा ने दिल्ली वालों को गुमराह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव व 2015 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा किया था, मगर सत्ता हासिल करने के बाद 5 साल से भाजपा ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है और पूर्ण राज्य के मुद्दे पर ना तो प्रधानमंत्री और ना ही भाजपा के केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को झटका दिया है, क्योंकि कांग्रेस नेता व अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राजकुमार धिंगान अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को जरूर सब्सक्राइब करें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।